जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद सिरा त्रिवेदी और आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग, इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यवसाय, जिसे कहते हैं बिजनेस, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिजनेस, ठीक है ना। तो व्यवसाय क्या है, तो भैया इसकी डेफिनेशन के तौर पर क्या कहेंगे, वह समस्त आर्थिक क्रियाएं जो लाभार्जन के उद्देश्य से सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए विधि के अंतर्गत की जाती हैं, वे सब की सब क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत शामिल हैं। देखो चार चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक पर क्या हो गया आपके लिए, नंबर एक पर यहां हो गया आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। नंबर दो पर है लाभार्जन। नंबर तीन पर है सामाजिक हित। और नंबर चार पर है विधि, ठीक है ना। इन चार चीजों को समाहित करिए और उसके साथ ही साथ जो भी क्रियाएं की जाएंगी वो सब कहां पर आ जाएंगी, व्यवसाय में आ जाएंगी, ठीक है ना। व्यवसाय का क्षेत्र जो है भैया ये बहुत व्यापक है। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं व्यापार और व्यवसाय दोनों एक ही हैं। नहीं नहीं, एक नहीं होते, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यवसाय का क्षेत्र बिल्कुल इस तरीके से व्यापक है जैसे समुद्र, और व्यापार बिल्कुल वैसे है जैसे नदियां। नदियों का अंतिम पड़ाव क्या होना है, समुद्र। तो व्यापार का अंतिम पड़ाव जो है वो व्यवसाय है। व्यापार और व्यवसाय एक नहीं है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो व्यवसाय के संदर्भ में ये चार क्रियाएं अगर समाहित हैं, आर्थिक क्रिया जहां पर धन का आदान प्रदान हो रहा है, ऐसे व्यवहार जिनमें धन का विनियोजन हो रहा है वो क्रियाएं आर्थिक हैं, ठीक है ना। लाभार्जन का उद्देश्य, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके बदले आप कुछ अतिरिक्त कमाना चाहते हैं, जितना हमने लगाया उससे ज्यादा, तो क्या हो गया, लाभार्जन का उद्देश्य हो गया। लेकिन इस लाभार्जन के उद्देश्य के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि समाज का अहित ना होने पाए, समाज के हित में हमारे कार्य होने चाहिए। और अगर समाज का अहित हो जाएगा तो विधि, लॉ, ठीक है ना, कानून, ये आ जाएगा। तो भैया जितना भी कार्य आप कर रहे हैं वो सब कानून के दायरे में रह के करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं व्यवसाय से आगे जब बढ़ेंगे तो भैया यहां से निकलती हैं तीन क्रियाएं, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापार, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेड, वाणिज्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमर्स, और उद्योग जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये सब अलग अलग हैं तो इनकी ये नाम है, और एक में मिला दिया जाए तो ये सब व्यवसाय हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि व्यापार क्या है। व्यापार है ना, जिसको हम लोग इसके साथ मिला देते हैं कि व्यवसाय और व्यापार एक ही होता है। नहीं भाई, देखो ये चार चीजें जो मैंने लिख दी हैं इनको बहुत ज्यादा वेट देना है। वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो लाभार्जन के उद्देश्य से सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए विधि के अंतर्गत वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित हैं, कहां वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित हैं, वो क्या है, व्यापार है। यहां का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, क्रय और विक्रय। व्यापार में वस्तुओं का खरीदना और लाभ लेकर उनका बेचना ये निहित होना चाहिए, तभी व्यापार हो सकता है। व्यापार वही है जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा रहा है, वही व्यापार है। लेकिन ध्यान रहे यहां पर ये आर्थिक होना चाहिए, लाभार्जन का उद्देश्य होना चाहिए, सामाजिक हित होना चाहिए और विधि के अंतर्गत होना चाहिए। अब खरीदने बेचने में कोई चावल का व्यापारी है, चावल खरीद रहा है बेच रहा है, व्यापार हो रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया चीज है, व्यापार हो रहा है। लेकिन उसी चावल में कंकड़ मिला के बेचे, अभी कंकड़ मिला के जब बेचने लगेगा तो समाज का अहित हो जाएगा, समाज का हित नहीं रह जाएगा, और भैया इसके लिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा।
अब वो भाई साहब जो व्यापारी लाल थे वो पता नहीं कहाँ जाएंगे फिर, है ना, अस्त्र क्या होगा उनका वो आप जानते हैं। चलिए, तो क्रय विक्रय इन चार चीजों के साथ में अगर क्रय विक्रय हो रहा है तो फिर व्यापार है। आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणिज्य, कॉमर्स। आखिर है क्या कॉमर्स भैया? वे सभी आर्थिक क्रियाएं लाभार्जन के उद्देश्य से सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए विधि के अंतर्गत व्यवसाय की वृद्धि के लिए की गई सभी क्रियाएं वाणिज्य हैं। व्यवसाय की वृद्धि, व्यवसाय के उत्थान के लिए अगर जो क्रियाएं की जा रही हैं वो क्या हैं? वही वाणिज्य है। ऐसी क्रियाएं जिनसे व्यापार दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहा है तो उनको हम क्या कहेंगे? वो वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, वही वाणिज्य है। अब इसमें क्या आता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया है व्यवसाय, व्यवसाय व्यापार नहीं, व्यवसाय और वाणिज्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक समझते हैं ना, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं। जी हाँ बिल्कुल, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं, महत्वहीन हो जाता है। अगर आप वाणिज्य को हटाएंगे तो व्यवसाय बिल्कुल लचर हो जाएगा, और अगर यहाँ वाणिज्य है लेकिन व्यवसाय ही नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो देखते हैं कि वाणिज्य में ऐसा है क्या कि जिसके बिना व्यवसाय चल नहीं सकता, और ऐसा क्या है जिससे व्यवसाय बहुत दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो भैया यहाँ पर मुख्यतः तीन चीजों को हम शामिल कर रहे हैं। नंबर एक पर इंश्योरेंस, नंबर दो पर बैंकिंग, और नंबर तीन पर ट्रांसपोर्टेशन। अब शायद हमको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आज के टाइम में आदमी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा करके व्यापार अपना प्रारंभ कर ले रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं इस बात की कि व्यापार में किसी भी समय आग लगने का भय है, चोरी होने का भय है, अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं तो बाढ़ आने का भय है, अरबों रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया है अपना, ठीक ना, टेंशन नहीं इस बात की। क्या वो पूरे का पूरा पैसा अपने पास से लेके आए थे? सोचिए जरा एक मिनट के लिए, एक दृश्य देते हैं हम आपको। एक व्यक्ति है, उसका एक शोरूम बढ़िया उसने ओपन किया, बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक शोरूम एकदम ओपन किया है, माल वगैरह उसके अंदर भर दिया एकदम। इनॉग्रेशन था अगले दिन, रात को पूरी तैयारी हो गई, ठीक ना, रिबन उबन भी लगा दिया गया कि सुबह मंत्री जी आएंगे काटेंगे रिबन, शटर डाउन करके घर चले गए। अगले दिन सुबह आते हैं सारे लोग, कार्ड वार्ड पहले ही बढ़ चुके थे, डीजे का प्रबंध हो चुका था, लड्डू भी आ चुके थे, लेकिन जब शटर उठता है तो क्या देखते हैं कि उस शोरूम के अंदर सब राख ही राख है। क्यों? क्योंकि रात में शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे का पूरा माल जल करके नष्ट हो गया। अब क्या करें भाई, वो जिनका शोरूम था, जिन्होंने कर्ज लेकर उस शोरूम को डेवलप किया था, एक तरफ वो माल गया पूरे का पूरा, दूसरी तरफ जिस संस्था से वो कर्ज लेके आए थे उसके नोटिस आने शुरू होंगे, लाइए पेमेंट करिए, कहाँ से आए ये पैसा? प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? तो आ गई ये इंश्योरेंस कंपनियां और इन्होंने कहा कि ऐसा कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम करो व्यापार और थोड़े से प्रीमियम के बदले तुम हमसे बीमा ले लो, हम तुमको बीमा दे रहे हैं, तुम्हारे यहाँ लॉस हो जाए तो हमारे पास आना, हम उसकी हम आपको कंपनसेट कर देंगे, क्षतिपूर्ति कर देंगे हम आपको, नो प्रॉब्लम। देखिए किस तरीके से इसने व्यवसाय में रिस्क को हटा दिया एकदम, बैंकिंग मनी की मोबिलिटी को बढ़ा दिया, मुद्रा की गतिशीलता को बढ़ा दिया इसने। आज व्यवसाय जो है ना वो क्रेडिट में अगर हो पा रहे हैं तो उसके पीछे केवल एक ही चीज है, वो है बैंकिंग, है ना। आप जिस शहर में बैठे हैं दूसरे देश के व्यक्ति के साथ में आप अपना क्रय विक्रय का अनुबंध कर सकते हैं, वो व्यक्ति कहे नहीं नहीं मैं आपको नहीं जानता, तो आपकी तरफ से आपका बैंक उसे क्रेडिट लेटर इशू कर देता है कि ये व्यक्ति भाग सकता है लेकिन मैं नहीं भागूंगा, अगर ये पेमेंट ना करे तो मेरे पास आना, मैं पेमेंट कर दूंगा। समझ रहे हैं ना किस तरीके से आपका जो बर्डन था उसे खत्म कर दिया, आपकी आइडेंटिटी जो नहीं बन पा रही थी उसने बना दिया। आप साख क्रिएशन का काम कौन कर रहा है? बैंकिंग ही तो करते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, वस्तु विनिमय के टाइम में क्या ये संभव था कि आज जो हम ये उद्योगों का स्तर देख रहे हैं, व्यापार का जो स्तर देख रहे हैं, ये वस्तु विनिमय काल में संभव था? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आने और जाने के संसाधन ही नहीं थे। जब ये संसाधन डेवलप हुए तब हमारे लिए कोई भी दूरी दूरी रह ही नहीं गई। तो भैया उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी।
कि अगर इन तीनों को हटा दिया गया तो फिर व्यवसाय नहीं हो सकता। अच्छा, अगर व्यवसाय ही ना हो तो इनका क्या महत्व है? ये आपकी केवल सेविंग्स डिपॉजिट करने के लिए बैंक नहीं बने हैं, आपकी सेविंग से कुछ काम नहीं चलने वाला इनका, ठीक है ना। केवल लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां नहीं आई हैं, जनरल इंश्योरेंस से इनका बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन केवल ये नहीं है जहां पर आप बैठे बस में और एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन में वो सारी चीजें समाहित हैं जो व्यवसाय के लिए सहायक के रूप में काम करती हैं, तो वाणिज्य, ठीक है ना। अब ये लोग जो हैं, ये भी कोई ऐसा थोड़ा है कि फ्री में अपनी सर्विसेज देने आए थे, इनके ऑब्जेक्ट भी सेम यही है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्ट है और सोशल बेनिफिट के लिए आए हैं, और जो लाइन ऑर्डर है, जो कानून है, उसकी परिधि में रहते हुए इन्हें काम करना है, उसके अलग थोड़े जाके काम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा उद्योग, इंडस्ट्री। अब देखिए, यहां सब कुछ शामिल है, यहां पर केवल क्रय और विक्रय को शामिल किया गया, यहां पर केवल उन क्रियाओं को शामिल किया गया है जो व्यवसाय की वृद्धि में सहायक हैं। उद्योग क्या है? जहां वस्तुओं का निर्माण होता है और फिर उनकी बिक्री होती है। तो यहां पर जब हम लोग आते हैं तो क्या देखेंगे? निर्माण और बिक्री। वह संस्थान जो आर्थिक क्रियाओं से संलिप्त हैं, लाभार्जन के उद्देश्य से सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए विधि के अंतर्गत वस्तुओं को बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं, वो उद्योग हैं। यहां पर भी कई तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक ना। इनकी बात आगे करेंगे चल के हम लोग, ठीक। तो इंडस्ट्रीज, निर्माण और बेचना। अब देखो, यहां पर भी लाभार्जन का उद्देश्य तो हो ही गया, क्लियर है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। सामाजिक हित, केवल बनाने बेचने की बात है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका माइंड बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, दिमाग बहुत तेज चलता है, किस मामले में? गोला बारूद बनाने में। अब वो क्या करता है, एक इंडस्ट्री अपनी डाल दे, कहे हम गोला बारूद बनाएंगे और बेचेंगे, ठीक। अब ये गोला बारूद जो वो बनाएगा बेचेगा, वो कहां जाएगा, उसका कंजप्शन कहां होगा? समाज में होगा, और समाज में बुराइयां फैलेंगी, ठीक है ना। तो समाज में बुराइयां फैलेंगी तो समाज का हित रहा नहीं, समाज के हित को तो आपने जरोखे में रख दिया, और बस जैसे ये हुआ वहीं से आपका लॉ आ गया और ये इंडस्ट्री आपकी इंडस्ट्री नहीं रह जाएगी। तो भैया, आपको इन चार चीजों पर ध्यान देना है, केवल आर्थिक क्रिया, लाभार्जन का उद्देश्य, सामाजिक हित और विधि के अंतर्गत की गई सभी क्रियाएं क्या है? व्यवसाय है। इन्हीं के अंतर्गत अगर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है तो व्यापार है, व्यवसाय की वृद्धि में सहायक साबित हो रही हैं वो क्रियाएं तो वाणिज्य है, और अगर निर्माण करके उन्हें बेचा जा रहा है तो फिर वो क्या है? इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी में इसने वृद्धि करी होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मित्रों।